Assalamu alaikum, class 5. Today we are going to start unit number 1, numbers and arithmetic operations. So open your textbook, page number 2, 3. Now starting exercise 1A. Okay, first question is fill in the blanks. In the international system, 1 million is a dash digit number. 1 million is a dash digit number. Jaise ki maine pehle bataya tha ki hum jab 1 million किस नंबर पे है तो हम पहले यूनिट्स डालेंगे जैसे कि ऊपर दिले में यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियन इस पे हमने यूनिट्स डाले हुए हैं तो मिलियन जो है वो सेवन नंबर पे आ रहा है तो इट्स मीन इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 million इज़ अ सेवन डिजिट नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अ रिंग डिजिट इन दिस नंबर इज डैश अब जो ये नंबर है इसमें जो जिसके सर्कल हुआ हुआ है जो नंबर इसका हमने वैल्यू बतानी है प्लेस वैल्यू बतानी है तो हम क्या करेंगे सिंपल इनके ऊपर यूनिट्स डालेंगे वन काउंट करेंगे वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियन तो 5 million आंसर इज 5 million थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट द सीक्वेंस सीक्वेंस गिवन है हमारे पास नंबर्स की 3503018635030286 डैश एंड 3503048 हम इनको देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट नंबर और सेकंड डिफरेंस में क्या डिफरेंस है तो देखें 35030 सेम है 186286 ये डिफरेंस है तो यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ पर है 486 तो इट्स मीन 186286 एंड यहाँ पर 386 और फिर देन 486 तो पूरा नंबर सेम लिखेंगे सिर्फ आखिरी डिजिट चेंज होगा 3503018 3503028 3503038 कम टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर 50,000 मोर देन दिस नंबर इज डैश मोर देन मीन्स यानी कि हम इस नंबर में हम 50,000 को ऐड करेंगे मोर देन मतलब मिलाएंगे इसके साथ तो ऐड एडिशन होगी इस नंबर को हमने इससे ऐड करना है तो यहाँ पर एडिशन हुई हुई है सिंपल हम ऐड करेंगे जैसे प्लस करते हैं 0005555+38 और बाकी हम ऐसे ही उतार देंगे तो आंसर इज 2618855000 द नंबर ओके पार्ट ई द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर दिस इज कहते हैं कि इस नंबर में 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है तो इस नंबर में 9 की प्लेस वैल्यू क्या है हम फिर से काउंट करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000 तो 900,000,000 इज आंसर्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह फॉर्म में भी लिख सकते हैं ठीक है कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स एज पर इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट दिस इज रिटन ये नंबर 6198457086 इज रिटन एज 6198457086 कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं यस थ्री पेयर्स में हम लिखते हैं थ्री पेयर्स फिर थ्री पेयर्स फिर थ्री पेयर्स और ये अकेला तो दिस इज़ ट्रू द नंबर 200 लेस देन दिस नंबर इज़ दिस लेस है वहाँ पर जब हमने मोर किया तो इट्स मीन ऐड जब लेस आएगा तो इट्स मीन हम सबट्रैक करेंगे माइनस करेंगे तो इस नंबर में से 200 को माइनस करना है तो ये आंसर आता है कि नहीं आता नहीं आता जब हम माइनस करेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा तो इट्स फॉल्स द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 10 million 9 डिजिट नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 10 million दिस इज़ रॉन्ग स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज नॉट अ 10 million ओके द वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट इन दिस इज 100,000 जो जिसके सर्कल हुआ हुआ है वो कहते हैं वो जो है वो 100,000 है तो यस अगर हम काउंट करें 1, 10, 100,000, 10,000 and 100,000 तो दिस इज ट्रू इज 100,000 इन द इंटरनेशनल सिस्टम दिस नंबर इज रिटन एज दिस अगर इस नंबर को हमने इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे थ्री पेयर्स में तो 1, 2, 3 पेयर फिर 1, 2, 3, 4 ये 4 है तो इट्स मीन ये स्ट्रॉन्ग क्रॉस थ्री पेयर्स में हम लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 3
Select the correct answer from the given options. 3,735,205 in figure is, हमने words में लिखा हुआ है, इसको हमने figures में लिखना है. तो this is right answer, क्योंकि ये three pairs में लिखा हुआ है. देखें, नीचे भी यही लिखा हुआ है, लेकिन ये pairs में नहीं है. Three pairs में नहीं है. International system में हम three pairs में लिखते हैं. तो this is right answer. First one is the right answer. Second, B part. In international place value chart, TM means what? 10 million. So 10 million is a correct answer. 200 million is a 9 digit number. 200 million is a 9 digit number. ठीक है? ये देखें. Come towards next page. Part number D. Which of the given number matches with the expanded form? Which of the given number matches with the expanded form? ये expanded form है, इसको हमने squeeze करना है. तो ये क्या होगा? 6567205. तो first one is correct answer. Part number E. This number is 9786120016 written in the international system. अभी मैंने बताया था कि international system में हम three pairs में लिखते हैं. तो कौन सा इसमें correct होगा? ये वाला part. One, two, third part is correct answer. 9786 three pairs, फिर 120 three pairs, फिर 016 three pairs. तो this is correct answers. Come toward question number 4, which is done on notebooks. Question number 4 हम notebooks में करेंगे. Exercise 1A, question number 4. Question है, write the following number in words. हमारे पास numbers given है और हमने उनको words में लिखना है. ये number हमारे पास given है, हमने इसको word में लिखना है. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? Units डालेंगे और then इसको words में लिखेंगे. तो 1 के ऊपर क्या है? Million. तो 1,500,000. बाकी 0 है तो thousands आएगा. तो 1,500,000. 16, 000000, फिर हमने units डाले and 16 किसके ऊपर है? 10 million and million है, तो 16 है तो millions में आ रहा है, तो it means 16 millions, आगे कोई number नहीं है, zeros है. Next is 34, 800000, फिर हमने units डालेंगे और 3 के ऊपर क्या है? Million है, तो 34 लेंगे हम, दो pair कर लेंगे, तो 34 million, 8 के ऊपर क्या है? 100,000, तो 34 million, 800,000. Next one is 78,000,790. So 78,790,000. Question number 5. Write the numbers in the figures, giving the space correctly according to international systems. अब हमारे पास words में given है और हमने उनको figure में लिखना है और हमने international system में लिखना है, यानी gaps सही आने चाहिए. Pairs में three pairs में लिखना है. 1,900,000. तो 1,900,000. 840 million, 840 million, 700 million, 700 million. Three pairs में हमने लिखना है. Now question number 6. Write the numbers in figures, giving the spaces correctly. Simple, हमारे पास numbers given हैं और हमने सिर्फ इसको international system में लिखना है, यानी pairs में लिखना है. तो ये number है और इसको हमने pairs में लिखा हुआ है. यहाँ से start करेंगे. 356 pair, 384 pair, 905 pair and 2. इसी तरह ये भी हमारे पास number given है और हमने इसको pairs में लिखा है. 647031700. ये number given है, 1 अलग आएगा क्योंकि billion में है. 32005970001. ये number pairs में, 43050167. Understood? Okay, question number 7. Write the following number in words. ये हमारे पास फिर से हमारे पास numbers given है और हमने उनको words में लिखना है. तो simple, आप units डालें और उसको words में लिखें. तो ये हमारे पास क्या बन रहा है? 4 million. 76500000, तो 76,500,000. 2,149,000,000. 2,840,000,000. 185,620,000. 78 millions.